2024 से पहले विपक्ष की एकता की बात होती है तो जानकार राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली भारत जोड़ो यात्रा की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। इस यात्रा से भी एक आपको इशारा मिलेगा, एक संकेत मिलेगा कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता की तस्वीर क्या हो सकती है और कैसी हो सकती है। इस यात्रा में कई विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ शामिल हुए, तो कई विपक्षी दल बुलाए गए लेकिन वो आए नहीं, जबकि कई को कांग्रेस ने नहीं बुलाया। अब इस सब के बीच में जब आप पिछले ही हफ्ते ये बात बोल रहे हैं कि विपक्ष एक हो जाए, एक हो जाए, एक होके लड़े, अपने अपने जगह मजबूती से लड़े, तो ये सारी चीजें सामने आती हैं कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन उस यात्रा में आए जरा वो देखते हैं। CPI, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, DMK, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, NCP और MNA। यात्रा से दूरी किन किन लोगों ने बनाई आपको वो बता दें, किन लोगों को बुलाया गया लेकिन वो आए नहीं। 1 तृणमूल कांग्रेस, 2 RJD, 3 समाजवादी पार्टी, 4 बसपा, CPM, TDP और किन किन लोगों को बुलाया ही नहीं, आम आदमी पार्टी, BRS, YSR कांग्रेस और अकाली दल। अब ये सारी लिस्ट आप एक साथ देखिए, ये आपको वो लिस्ट दिखेगी और इसकी अब एक बड़ी जबरदस्त तुलना हम करने जा रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी यात्रा से दूरी है। हम अब आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किन लोगों को यात्रा में बुलाया और वो आए, किन लोगों को बुलाया और वो नहीं आए और किन लोगों को बुलाया ही नहीं। वैसे एक बात याद आई, इन दोनों शादियों का सीजन है। अगर भारत की सियासी तस्वीर को शादियों के दौरान परिवारों की सियासत से मिलाकर देखें तो कुछ जबरदस्त सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगे। जैसे शादी में कोई ना कोई तो हमेशा रूठता है, अक्सर फूफा या बुआ को ये उपाधि दी जाती है, नाराज फूफा, और उनका क्या कहना होता है कि हमें कार्ड नहीं मिला, और कार्ड मिला तो उसमें विद फैमिली नहीं लिखा, अगर वो भी मिल गया तो फोन क्यों नहीं आया। चलिए ये सब हो गया तो शादी में जाने के बाद एक पुरानी डायरी निकलेगी घर के एक कोने से कि शादी में उन्होंने इतने साल पहले कितने पैसे दिए थे। 5 साल पहले 1001 रुपए दिया था तो हम भी उतने ही देंगे। ये वो भी नहीं समझते कि महंगाई दर जो है वो गिनी जानी चाहिए। ऐसे में कई बार शादियों में सरकार की आलोचना भी हो जाती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई देखो। अच्छा, कई बार फूफा ये भूल जाते हैं कि बुजुर्ग दामाद हो गए हैं और आव भगत तो नए वालों की होगी। अब चाहे राजनीति हो या घर, नया दोस्त नए दामाद की तरह होता है क्योंकि पुराने वाले के साथ तो इतनी गांठें हो चुकी हैं कि सब कुछ नए सिरे से तय हो तभी गठबंधन का मजा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो अभी आप देख रहे हैं राजनीति में कि उनकी यहां पर गिरफ्तारी हुई, उस पर कौन लोग बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहे हैं, कौन नपातुला बोल रहे हैं, कौन यात्रा में आया न्योतने के बाद, कौन न्योता देने के बाद भी नहीं आया और किन लोगों को न्योता ही नहीं गया, ये बिल्कुल शादी ब्याह का माहौल है। तो अपने घर से ये कहानी जोड़ के देखिए। लेकिन इस सब के चक्कर में जब ये बोला जाता है कि विपक्ष एक हो जाएगा और एक होकर के लड़ेगा तो वही चीज तो नहीं होगी। आइए सुनते हैं विनोद शर्मा जो पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, उनका क्या कहना है। देखिए बात यह है कि विपक्ष की जो यूनिटी होती है, एकता होती है, उसमें कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पे वो एकता हो जाती है लेकिन प्रांतीय स्तर पे नहीं होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप लेफ्ट का और कांग्रेस पार्टी का अलायंस देखें तो केरला में कभी नहीं होता उनका अलायंस, वहां पर एक दूसरे के साथ रस्साकशी करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पे राष्ट्रव्यापी स्तर पे उनका अलायंस हो जाता है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि अगर मनीष सिसोदिया की अरेस्ट के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय इकाई ने उसका समर्थन किया है अरेस्ट का, तो साफ जाहिर है
कि यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो स्थानीय इकाई को ये अधिकार दे रहा है कि अपनी पॉलिसी बनाए और जो यहाँ पर पॉलिटिकल लाइनअप है उसके अनुसार वो समर्थन करें या विरोध करें। यहाँ मुख्य विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी का अगर कभी इलेक्शन होंगे तो वो आम आदमी पार्टी होगी और उसके बाद आप बीजेपी होगी। तो ये जो विरोधाभास है हमने परस्पर देखा है, लेकिन ये सही में विरोधाभास नहीं होता है, ये स्ट्रेटजी नहीं होती, ये टैक्टिक्स होता है। और मैं समझता हूँ ये जो समर्थन किया गया है सीबीआई के एक्शन का वो टैक्टिकल है, लेकिन जो सीबीआई की जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये एलिगेशन है विपक्ष की, उसमें सब एग्री करते हैं, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा विरोधाभास नहीं पाता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि इनका राष्ट्रव्यापी स्तर पर इनकी एकजुटता नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बात सुन लीजिए आप कि इलेक्शन से पहले 2024 के कुछ एक ऐसी पार्टीज हैं जो कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं चाहेंगी, उसमें से एक आम आदमी पार्टी भी है, फिर हो सकता है टीएमसी हो, फिर वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है वो है, और बीजू जनता दल है। तो ये लोग पहले समर्थन नहीं देंगे या इनके साथ किसी अलायंस में नहीं आएंगे, लेकिन जिस अलायंस का कांग्रेस पार्टी पार्ट है अगर उसके पास बहुमत आ जाता है, जैसा कि हमने 2004 में देखा कि समाजवादी पार्टी बाद में यूपीए के साथ आ गई, तो ये दोबारा इस इतिहास का दोहराना मैं समझता हूँ अपेक्षा के अनुसार ही होगा, उसके विपरीत नहीं होगा। लेकिन ये सब निर्भर करेगा कि क्या कांग्रेस लेड अलायंस जो है उसके पास आंकड़े हैं सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो सही में जो कोलिशन होती है या ऑपोजिशन फ्रंट या कोई भी रूलिंग फ्रंट होता है वो इलेक्शन के बाद बनता है, इलेक्शन से पहले उनको उसको बनाना मुश्किल होता है। अटल जी के जमाने की बात देख लीजिए आप, कि आपको याद होगा कि कितना इंतजार करने के बाद जयललिता ने अटल जी को समर्थन दिया। उसी प्रकार से डीएमके जो है वो अटल जी के साथ बहुत सोच विचार करने के बाद ही आई। तो ये विरोधाभास तो हमारी राजनीति में हमेशा रहा है, तो इसको जरूरत से ज्यादा तूल देना मैं समझता हूँ उचित नहीं। तो क्या यहाँ पर भी विपक्षी एकता या विपक्षी कमजोरी की एक कहानी दिखाई दे रही है, और वो घर के शादी ब्याह के माहौल की तरह ही है? सोचिएगा आप इस बारे में जरूर।